एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास जिसका ऑल्टीट्यूड अगर 4 है तो उसकी साइड निकाल के दिखा पाओ। हाँ, ये बात जरूर गिवन है कि ए बी सी अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई माइका लाल जो बोल पाए कि क्या है ए बी सी अपने आप में क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल। बोलो। भैया इसका आंसर 8/√3 है। कुछ बच्चे 8/√3 बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल क्या है तेरे पास इक्विलेटरल, तो अगर तुम इसको ए मानते हो, इसको ए मानते हो, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? a/2। क्या हो जाएगा? a/2। तो तुमको तो करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस कितना? a/2 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना? 16। तो अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर 3a² इज इक्वल टू 16। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3, तो ए इज इक्वल टू आएगा 4/√3, ना कि 8/√3। ए आएगा 4/√3। ए कितना आएगा? 4/√3। बोलो, कोई डाउट तो नहीं आता? तो सर आप क्या डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या? हाँ बेटा, इसी से डायरेक्टली फॉर्मूला है कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड बाय रूट थ्री। ऑल्टीट्यूड बाय रूट थ्री उसकी साइड इज इक्वल टू है ऑल्टीट्यूड बाय रूट थ्री। चले, अब अगर मैं देखो बोलूं कि मेरे पास ये रोम्बस ए बी सी डी, कंफर्म एक रोम्बस है मेरे पास। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस। कोई बच्चा सिर्फ इतना बता दे, मैं इसके आपको डायगोनल्स ही बता देता हूँ। मैं आपको इसके डायगोनल बताता हूँ कि इसका एक डायगोनल 5 है और इसका एक डायगोनल 8 है। इसका एक डायगोनल 5 है और एक डायगोनल कितना है? 8। सिर्फ आप मुझे इसकी साइड बता दो। कोई माइकल लाल जो इसकी साइड बता पाया? एक डायगोनल 5 है, एक डायगोनल 8 है, तो आप मुझे इसकी साइड बता दो। भैया मुझे एक डाउट है ऊपर सर, वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में किसको डाउट है बेटा? मेरे को श्रेया। भैया श्रेया। हाँ श्रेया बेटा बोलो। वो उसमें जब आपने एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो नीचे वाला 416 में ओ मल्टीप्लाई भी सही तो सही होगा सही ना। 3 × 4। हाँ सही है, 8/√3, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × ऑल्टीट्यूड/√3, ठीक है? 2 × ऑल्टीट्यूड/√3। बेटा थोड़ा सा उसको बंद करना पड़ेगा, अपना ऑडियो को म्यूट रखो। क्या इसका आंसर किसी को आया क्या? इसका आंसर थोड़ा सा ऐसे आएगा, फास्ट फास्ट कर देता हूँ, दूसरी बैच का टाइम हो चुका है। यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री। तो सर क्यों? क्योंकि डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90। तो अगर ये 90 है तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इतना हिस्सा कितना हो गया? 5/2। और ये 8 है, ये कितना हो गया? 4। और ये 90 है। इस साइड को अगर मैं एक्स मानूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ? x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5/2 का x² इज इक्वल टू 16 प्लस 25/4। बेटा जो भी आ जाए इसका, वैसे x² इज इक्वल टू 64 प्लस 25 बाय 4। x² इज इक्वल टू 89/4 और x इज इक्वल टू √89/2। ये साइड ऑफ रोम्बस है। बेटा नेक्स्ट बैच का टाइम हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक डीआई की क्लास आज शाम को रख रहा हूँ, जो कि क्लास प्योर डीआई की होगी। इवन आज की क्लास में मुझे भी डीआई कराना था, बट टाइम इसी में निकल गया, तो इस मीटिंग को मैं फटाफट एंड कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करना। बहुत कुछ है ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए, पूरी ज्योमेट्री वन टर्न के थच के आई है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। मैं आपको शाम को फिर मिल रहा हूँ डीआई की बैच के लिए, है ना, टाइम के साथ। ठीक है बेटा, चलिए।
तुमने नीचे कर दीजिए ना कैमरा।